श्री साई राम। भगवान बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को मेरा साई राम। मैं अवनीता वैर W1 समिति से हूँ। मुझे से बहुत अधिक अनुभवी एवं डेडिकेटेड सेवक दिल्ली में है, परंतु आदेश का पालन करते हुए मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ करना। वास्तव में प्रशांति सेवा में जैसा कि मैं समझती हूँ कि वहाँ हर पल नया तथा शिक्षाप्रद होता है, तथा जो अनुभव हम वहाँ से सेवक के रूप में लेकर आते हैं उसे हम अपनी व्यक्तिगत एवं सांसारिक समस्याओं का समाधान करने में उपयोगी पाते हैं, जो आगे जाकर हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक हो सकता है। प्रशांति में कई प्रकार की एक्टिविटीज करने तथा देखने का अवसर मिलता है, जैसे कि वहाँ अनुशासन, सिक्योरिटी, फिजिकल सेवा करना, अपने साथी सेवक की समस्या समझना और विभिन्न समितियों के सेवकों से मिलना जुलना तथा उनके विचार विमर्श करना, कई साधारण से साधारण एवं कठिन से कठिन समस्याओं का हल निकालना इत्यादि इत्यादि। इससे हम में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना आती है, जो कि लॉन्ग रन में हमें मधुरभाषी भी बनने में सहायक हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये है कि सेवा के काल में हम अपनी सांसारिक एवं पारिवारिक समस्याओं को भूल जाते हैं, तथा यहाँ तक कि हमें वहाँ ना तो टाइम का पता चलता है, ना वार का, ना दिन का, कुछ भी पता नहीं चलता है। हमें प्रशांति में पंक्चुअलिटी सीखने में भी मिलती है। वहाँ की हर इवेंट्स का जैसे समय निर्धारित होता है, आश्रम के अंदर आने का, जाने का, सुप्रभात का समय, प्रभात फेरी का समय, भजन का समय, समाधि दर्शन का समय, खाना खाने का समय इत्यादि, इन सब से हमें अपनी पंक्चुअलिटी सीखने का भी अवसर मिलता है। मेरा तो प्रशांति सेवा बारे में व्यक्तिगत मानना है कि ये सेवा करने वाले और कराने वाले भी स्वयं हमारे प्यारे बाबा जी ही हैं। हम तो केवल उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिससे वो सेवा करने का मौका देते हैं, ताकि हम अपनी बुराइयों को दूर कर सकें। जब कभी भी किसी को भी किसी भी बिंदु पर प्रशांति सेवा के दौरान कोई भी दुविधा आ जाती है, तो हमारे प्यारे बाबा उस दुविधा का समाधान निकाल देते हैं, बेशर्त कि हम उन्हें दिल से अपने आप को उनके आगे हम अपने आप को सरेंडर कर दें। कई बार तो वह उपरोक्त दुविधा जो है उसका निवारण इतने सरल तरीके से निकाल देते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उपरोक्त कथन से सीधा मतलब यही निकलता है कि अगर हम भगवान बाबा के आगे संपूर्ण समर्पण कर देते हैं तो उसका हल अवश्य वे निकाल देते हैं। यही भावना हमें अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भी अति उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम श्री साई राम।